हेलो गाइस, वेलकम टू प्रॉफिट पायोनियर्स। ये स्टॉक मार्केट कोर्स की 6th क्लास है और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट एक्शंस। कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं और इसका शेयर मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली कॉर्पोरेट एक्शंस एक इवेंट है जिसमें कंपनीज के बोर्ड मेंबर्स कुछ डिसीजंस लेते हैं और उन डिसीजंस का स्टॉक प्राइस पर कुछ इफेक्ट होता है। ये कॉर्पोरेट एक्शंस कई तरह के होते हैं, जैसे स्प्लिट, बोनस, राइट्स इशू, डिविडेंड, FPO, QIP प्लेसमेंट एंड बायबैक। इन सभी कॉर्पोरेट एक्शंस को एक एक कर समझते हैं और सीखेंगे ये कैसे स्टॉक्स को इफेक्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं स्प्लिट एक्शन से। स्टॉक मार्केट में कंपनीज कई तरह के कॉर्पोरेट एक्शंस लेती हैं, उन्हीं में से एक है स्टॉक स्प्लिट, जिसमें एक कंपनी अपने करंट शेयर को एक रेशो से डिवाइड करती है, जिससे मार्केट में कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। कंपनी की शेयर प्राइस और फेस वैल्यू उसी रेशो से कम हो जाती है जिस रेशो में कंपनी के शेयर्स बढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास XYZ लिमिटेड कंपनी के 50 शेयर्स हैं, जिसकी शेयर प्राइस अभी 1000 रुपए है और फेस वैल्यू 10 रुपए। इस तरह XYZ लिमिटेड कंपनी में हमारे इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हो जाती है 50x1000 यानी 50,000 रुपए। अब XYZ लिमिटेड कंपनी 5:1 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट करने का डिसीजन लेती है, तो इसका मतलब है स्टॉक स्प्लिट करने के बाद XYZ लिमिटेड कंपनी का हर एक शेयर 5 शेयर में बदल जाएगा। यानी अब हमारे पास XYZ लिमिटेड कंपनी के 50x5 यानी 250 शेयर्स होंगे और अब XYZ लिमिटेड कंपनी के शेयर्स की नई प्राइस होगी 1000/5 यानी 200 रुपए और फेस वैल्यू भी उसी रेशो में कम होगी। तो अब XYZ लिमिटेड कंपनी की फेस वैल्यू 10/5 यानी 2 रुपए ही रह जाएगी। लेकिन आप देखोगे इससे आपकी इन्वेस्टिंग वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर आप अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 250 को शेयर्स की करंट प्राइस 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे आपकी इन्वेस्टिंग की करंट वैल्यू अभी भी 50,000 रुपीज ही है। तो इससे हमें समझ आता है स्टॉक स्प्लिट से आपकी इन्वेस्टिंग वैल्यू पर कोई असर नहीं होता, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ शेयर्स की प्राइस और फेस वैल्यू घटती है। अब जानते हैं कंपनीज स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है। कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट इसलिए करती है जब उसको लगता है कि उसके शेयर्स का प्राइस बहुत बढ़ गया है या अपनी तरह की कंपनीज के शेयर्स के प्राइस से बहुत ज्यादा हो गया है, या उनको लगे कि वे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जिनका कुल बजट ही 5000 रुपए है। तो इन सभी कंडीशंस में कंपनीज स्टॉक स्प्लिट ला सकती हैं और ऐसे कंपनीज स्टॉक स्प्लिट के जरिए अपने शेयर का प्राइस कम करके अपनी तरह की कंपनीज के शेयर के प्राइस के आसपास लाती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए सभी फार्मा कंपनीज की शेयर प्राइस 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच है और एक फार्मा कंपनी की शेयर प्राइस 20,000 रुपीज यानी 20,000 रुपए पहुँच गई है, तो आम इन्वेस्टर्स फिर उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये कंपनीज स्टॉक स्प्लिट से अपने शेयर की प्राइस को 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच ला सकती हैं। गाइस, अक्सर ऐसा देखा गया है जब कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट लाती है तो उस कंपनी का शेयर प्राइस कम हो जाता है और इस वजह से छोटे इन्वेस्टर्स को लगता है कि इस कंपनी का शेयर अब पहले से बहुत सस्ता हो गया है और फिर ऐसे वो उस कंपनी के शेयर्स को बाय करने लगते हैं, जिससे उस शेयर की डिमांड बढ़ जाती है और फिर अचानक ही डिमांड आने से शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। गाइस, कभी कभी कंपनीज रिवर्स स्प्लिट भी करती हैं, जिसमें बेसिकली होता यह है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स घट जाते हैं और शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। अब जानते हैं बोनस शेयर्स क्या होते हैं। बोनस शेयर्स को लेकर न्यू इन्वेस्टर्स में अक्सर एक मिसकंसेप्शन देखी गई है। वे मानते हैं कि बोनस शेयर का मतलब है कि कोई कंपनी शेयर फ्री में दे रही है, लेकिन ये गलत है। बोनस शेयर्स भी स्प्लिट जैसा ही है। यहाँ भी कंपनीज बोनस को रेशोज में अनाउंस करती हैं, जिससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले जैसे ही सेम रहती है। लेकिन यहाँ फर्क सिर्फ इतना है, स्प्लिट में आपकी फेस वैल्यू कम कर दी जाती है और बोनस में फेस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। स्प्लिट और बोनस दोनों सेम है, बस फेस वैल्यू ही दोनों को अलग करती है। अब जानते हैं राइट्स इशू क्या होता है। कंपनीज तब राइट इशू करती हैं जब कंपनीज उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से एक्स्ट्रा पैसे रेज करना चाहती हैं। तो इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनीज में एडिशनल शेयर्स बाय करने के राइट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं आप एक कंपनी में 100 शेयर्स ओन करते हैं जिसकी करंट प्राइस अभी 100 रुपए है और आपने इन शेयर्स को 75 रुपए में बाय किया था। अब कंपनी 3:1 का राइट इशू लाती है, यानी आप एक शेयर के पीछे 3 एक्स्ट्रा शेयर्स बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, ये शेयर्स आप बिना राइट इशू के भी खरीद सकते थे, तो फिर इसका बेनिफिट क्या रहेगा। दरअसल राइट्स इशू के बाद आप उस कंपनी के शेयर्स को डिस्काउंट पर खरीद पाते हैं। इस केस में मान लेते हैं कंपनी 50% का डिस्काउंट दे रही है और इसका इशू 50 रुपीज की प्राइस में आया है और जबकि उसकी करंट प्राइस 100 रुपए चल रही है, तो अब आपको लॉस होगा या प्रॉफिट।
तो गाइज यहाँ पर थ्री पॉसिबिलिटीज बनती हैं। फर्स्ट, आप इस इशू को 50 रुपीस में सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ऐसे में आपके पास टोटल 400 शेयर्स हो जाएंगे। तो अब इस प्रोसेस में आपको लॉस होगा या प्रॉफिट, इसे कैलकुलेट करते हैं। पहले आपके पास 100 शेयर्स थे जो आपने 75 रुपए में खरीदे थे, यानी पहले आपने 7500 रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब आपने एक्स्ट्रा 300 शेयर्स खरीद लिए जो आपने 50 रुपए के प्राइस पर खरीदे, तो इस तरह आपने 15000 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हैं। तो अब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है 7500 प्लस 15000 यानी 22500 रुपए। तो अगर आपको अब ये लग रहा हो कि शेयर्स की करंट प्राइस 100 रुपए चल रही है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ही होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि राइट्स इशू के बाद शेयर की प्राइस 100 रुपए नहीं रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे जिससे कंपनी का EPS यानी अर्निंग पर शेयर घट जाएगा, और अगर अर्निंग पर शेयर घटेगा तो PE बढ़ जाएगा, और अगर PE बढ़ेगा तो इन्वेस्टर्स को लगेगा कि शेयर महंगा हो गया है, जिसकी वजह से पहले तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और अब डिमांड घट जाएगी। ये हम जानते ही है कि जनरली अगर किसी चीज की डिमांड घट रही है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और यही रूल शेयर्स पर भी अप्लाई होता है। अगर किसी शेयर की डिमांड घट रही है तो मार्केट में उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। तो राइट्स इशू के बाद आपको लॉस होगा या प्रॉफिट, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये आपको इंडिविजुअल केस के हिसाब से देखना होगा। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि राइट्स इशू के बाद कंपनी के शेयर्स की प्राइस बहुत तेजी से गिरती है। अब सेकंड केस में क्या हो अगर आप राइट्स इशू को सब्सक्राइब ही ना करें? अगर आप एडिशनल शेयर्स को बाय नहीं कर रहे हो तब आपको फर्स्ट केस से भी ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि तब आपने उस कंपनी में 7500 रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे जिनकी वैल्यू राइट्स इशू होने के बाद महज 5000 रुपए ही बचेगी। अब थर्ड केस पर आते हैं, क्या हो अगर आप शेयर्स को राइट्स इशू होने से पहले ही सेल कर दें? तो इस केस में अगर आपको लग रहा है कि किसी कंपनी के राइट्स इशू होने के बाद उसके शेयर प्राइस गिर जाएंगे तो आप राइट्स इशू होने से पहले ही उन शेयर्स को सेल कर सकते हैं। अब जो भी इन्वेस्टर इन शेयर्स को बाय करेगा ये राइट्स उसे इशू हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपके शेयर्स पर कुछ टैक्स लगेगा। इन सभी केसेस को जानने के बाद आपके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राइट्स इशू अनडायरेक्टली आपको फोर्स करते हैं कंपनीज में एडिशनल स्टेक्स बाय करने के लिए। तो ऐसे में अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है और वो कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं आपकी फेवरेट कंपनी है, तो ऐसे में या तो आपको लॉस लेना पड़ेगा या फिर आपको और स्टेक्स बाय करने होंगे। अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हैं तो आप चाहें तो पहले उन शेयर्स को सेल कर बाद में बाय कर सकते हैं, और ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब जानते हैं डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड्स क्या है, कौन सी कंपनियां डिविडेंड्स देती हैं, और साथ ही ये रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट का क्या चक्कर है, डिविडेंड्स क्या है। डिविडेंड्स एक्चुअली प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जो कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं। दरअसल हर कंपनी के पास टू ऑप्शंस होते हैं, फर्स्ट या तो कंपनी अपने पूरे प्रॉफिट को अपने पास रख ले और उसे बिजनेस को आगे बढ़ाने में यूज करे, और सेकंड प्रॉफिट का कुछ पार्ट रखकर बचा हुआ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के बीच बांट दे। प्रॉफिट का यही पार्ट डिविडेंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड एक कंपनी किसी ईयर में 100 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट अर्न करती है। अब XYZ कंपनी डिसाइड करती है कि वो 5 रुपीज पर शेयर डिविडेंड्स देगी और बचे हुए प्रॉफिट को बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगाएगी। अगर उस टाइम पर तुम्हारे डिमेट अकाउंट में 10,000 शेयर्स है तो तुम्हें डिविडेंड्स के 50,000 रुपीज मिलेंगे जो सीधे तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। और अब जानते हैं कौन सी कंपनीज डिविडेंड्स देती हैं। हमेशा वही कंपनीज डिविडेंड्स देंगी जो प्रॉफिट में होती हैं। लॉस वाली कंपनीज कभी डिविडेंड्स नहीं देती। डिविडेंड्स वैसी ही कंपनीज देती हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी और मैच्योर हो चुकी हैं। बिकॉज जब कंपनी न्यू होती है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के दौर में होती है तब वे अपना कंप्लीट प्रॉफिट बिजनेस के एक्सपेंशन में लगा देती हैं, क्योंकि कंपनीज जानती हैं आज के प्रॉफिट को बिजनेस में लगाकर वो फ्यूचर में कहीं ज्यादा प्रॉफिट बना सकती हैं, और इससे ज्यादा फायदा इन्वेस्टर्स को ही होता है, क्योंकि कंपनीज जब अपने प्रॉफिट को सही जगह लगाकर अपनी कंपनी को बढ़ाएंगी तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। कोई कंपनी डिविडेंड्स देगी या नहीं इसका डिसीजन कंपनीज के डायरेक्टर्स लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो प्रॉफिट का यूज बिजनेस को बढ़ाने में कर सकते हैं तो वे डिविडेंड्स नहीं देते हैं, और अगर डायरेक्टर्स को लगता है कि बिजनेस को बढ़ाना मुश्किल है तो वे तब प्रॉफिट को डिविडेंड्स के रूप में अपने शेयर होल्डर्स के बीच बांट देते हैं। और अब थोड़ा डेट्स के बारे में जान लेते हैं।
नंबर वन रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट उस डेट को कहते हैं जिस डेट को आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में एज ए शेयर होल्डर होना चाहिए। शेयर देने वाली कंपनी रिकॉर्ड डेट को पब्लिकली अनाउंस करती है। अगर आपका नाम रिकॉर्ड डेट के दिन कंपनीज के शेयर होल्डर लिस्ट में नहीं है तो आपको डिविडेंड्स नहीं दिए जाएंगे। सेकंड, एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट जनरली रिकॉर्ड डेट से जस्ट एक दिन पहले होता है। कोई कंपनी जैसे रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है, एक्स डिविडेंड डेट उसके जस्ट एक दिन पहले सेट हो जाती है। अगर हमें किसी कंपनी से डिविडेंड्स चाहिए तो हमें उस कंपनी के शेयर्स को एक्स डिविडेंड डेट से पहले खरीदना होता है। अगर हम शेयर्स को एक्स डिविडेंड से पहले नहीं खरीदते तो हमें उस टाइम का डिविडेंड नहीं मिलेगा। हाँ, सबसे जरूरी, कंपनीज एक साल में कितनी भी बार डिविडेंड्स दे सकती हैं, कितनी बार डिविडेंड्स देना है ये कंपनीज के डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। गाइज, यहाँ याद रखने वाली बात ये है, डिविडेंड फेस वैल्यू पर दिया जाता है। अगर आप कहीं न्यूज में सुन लेते हैं कि कोई कंपनी 20% या 50% डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% या 50% आपको डिविडेंड के रूप में मिलने वाला है, क्योंकि डिविडेंड शेयर प्राइस पर नहीं फेस वैल्यू पर दिया जाता है। तो इसलिए हमेशा डिविडेंड यील्ड देखें, जिससे आपको सही पता चलेगा कि शेयर प्राइस पर कितना डिविडेंड मिल रहा है। गाइज, डिविडेंड को मार्केट एक्सपर्ट अच्छा नहीं मानते, भले ही ये आपको कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना लगे, क्योंकि डिविडेंड कंपनीज अपने रिजर्व से देती हैं, तो इससे कंपनीज की वैल्यूएशन कम हो जाती है। और अक्सर ऐसा देखा गया है, डिविडेंड देने के बाद शेयर की प्राइस थोड़ा गिर जाती है। तो इसलिए कंपनीज में डिविडेंड देखकर नहीं बल्कि ग्रोथ देखकर ही इन्वेस्ट करें। अब जानते हैं FPO क्या होता है। गाइज, जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे IPO कहा जाता है। वैसे ही लिस्ट होने के बाद भी अगर कोई कंपनी मार्केट से एक्स्ट्रा पैसे रेज करना चाहती है तो वो कंपनी FPO लाती है, जिसकी फुल फॉर्म है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉर एग्जांपल, XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, वो फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो वो अपना IPO लेकर आती है। और फिर कुछ टाइम के बाद XYZ लिमिटेड कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है तो उसको और पैसों की जरूरत है, जिसके लिए वो FPO लाती है। गाइज, FPO में कंपनी को एडिशनल शेयर्स इशू नहीं करती है, कंपनी के प्रमोटर्स ही अपने शेयर्स को पब्लिक कर पैसे रेज करते हैं, जिससे कंपनी के EPS पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कंपनी के EPS पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कंपनी की वैल्यूएशन सेम रहेगी, जिस वजह से कंपनी के शेयर्स पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब क्योंकि राइट्स इश्यूज की तरह FPO में भी डिस्काउंट दिया जाता है तो इससे उसकी शेयर प्राइस गिरती तो है, लेकिन वो गिरावट इतनी ज्यादा नहीं होती और थोड़े ही समय के बाद वो गिरावट भी रिकवर हो जाती है। अब जानते हैं QIB प्लेसमेंट क्या होती है। QIB प्लेसमेंट, जिसकी फुल फॉर्म है क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर्स, बेसिकली ये एक ऐसा तरीका है जिससे कंपनीज सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बायर्स से ही कैपिटल रेज करती हैं। ये ऑफरिंग पब्लिक के लिए नहीं होती, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए ही होती है। QIB कौन होते हैं ये हमने पीछे क्लास में जाना हुआ है, जिसमें हेज फंड्स, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा आते हैं। अब जानते हैं बायबैक क्या होता है। गाइज, जैसा कि इसके मीनिंग से ही पता चल रहा है, बायबैक यानी कोई चीज वापस से खरीद लेना। ठीक वैसे ही जब कंपनी अपने ही शेयर्स को इन्वेस्टर्स से बाय करती है तो उसे बायबैक कहा जाता है, और ये जनरली एक प्रीमियम के थ्रू किया जाता है। मतलब कंपनी मार्केट प्राइस से ज्यादा पर शेयर बाय करती है, और कोई कंपनी बायबैक तभी कर सकती है जब उसके पास बहुत सारा फ्री कैश फ्लो हो, क्योंकि इसमें कंपनी को शेयर खरीदने के लिए इन्वेस्टर्स को पे करना पड़ेगा। गाइज, अगर कोई कंपनी बायबैक कर रही है तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि एक तो बायबैक में कंपनी मार्केट प्राइस से ज्यादा प्रीमियम देती है, और सेकंड, अगर आप शेयर्स को तब भी सेल नहीं करोगे तो अक्सर ऐसा देखा गया है शेयर्स की प्राइस बाद में बढ़कर जिस प्राइस पर कंपनी ने बायबैक किया था उस प्राइस पर पहुंच ही जाती है। अब बात करते हैं डीलिस्टिंग क्या होता है। गाइज, जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में आती है तो उसे कंपनी की लिस्टिंग कहा जाता है, और जब कोई कंपनी शेयर मार्केट से जाती है या उस पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी कर दिया जाता है तो उसे डीलिस्टिंग कहते हैं। इस केस में कंपनीज रिटेल इन्वेस्टर्स से, यानी हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स से, सभी शेयर्स वापस खरीद लेती है। इसके लिए एक स्पेशल विंडो खोली जाती है जिसमें आप अपने सारे शेयर्स प्रमोटर्स को सेल कर सकते हैं। इस क्लास में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस क्लास को 2 से 3 बार जरूर देखें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे।